हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो विजुअल बेसिक को लेकर के है और विजुअल बेसिक में हम बटन बनाना सीखेंगे। बटन बनाएंगे और वो बटन कोई मैसेज डिस्प्ले करेगा, जैसे उस पर क्लिक करें तो कोई मैसेज डिस्प्ले करे। इसके लिए जरूरी है आप डेवलपर टैब को एक्टिवेट कर लीजिए। अगर आपको डेवलपर टैब एक्टिवेट करना नहीं आता तो किसी भी आइकन पर रहिए और यहां पर सीधा राइट क्लिक कर दीजिए और यहां कस्टमाइज रिबन पर जाइए। ये विंडो ओपन होगी और फिर यहां से जनरल फॉर्मूलाज और फिर कस्टमाइज रिबन पे आके ये जो डेवलपर ऑप्शन है इसको टिक कर दीजिए। ये अनटिक होगा आपके में इस तरह से, इसको टिक कर दीजिए और यहां से ओके प्रेस कर दीजिए, डेवलपर टैब एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे में एक्टिवेट है पहले से, तो अभी चलते हैं, क्लिक करते हैं डेवलपर टैब पर। आ गए डेवलपर टैब पर और विजुअल बेसिक पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। ठीक है, क्योंकि हम न्यू मॉड्यूल बनाना चाहते हैं और मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू मॉड्यूल आ जाएगा। आ गया, अब यहां पर चाहे तो मॉड्यूल का नाम भी चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल मैं यहां पे लिखता हूं सब। ठीक है, कोडिंग करेंगे सब लिखता हूं। सब लिखने के बाद क्या करना है आपको, सब लिखने के बाद यहां पर लिखना है से। अब यहां पे कोई भी नेम, नेम की बात करेंगे तो यहां पे लिखा एन ए एम ई नेम। ठीक है, तो ये बना दिया एक फंक्शन। ठीक है, एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। अब ये तो बन गया, अब मैसेज बॉक्स में क्या डिस्प्ले होगा, तो एमएसजी बीओएक्स बॉक्स ये लिख दिया हमने। डबल एटेड कोर्स में आपको क्या दिखाई पड़ना चाहिए, तो ये डबल एटेड कोर्स में लिख देता हूं वेलकम। क्या लिख देता हूं, वेलकम, तो यहां लिख दिया वेलकम और इस डबल एटेड कोर्स को क्लोज कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये वेलकम लिख करके और ये डबल एटेड कोर्स क्लोज कर दिया हमने। अब चलते हैं कहां पे, एक्सेल की विंडो पे चलते हैं। तो ये एक्सेल की विंडो आ चुकी है, अब हमें कहां जाना है, ये इंसर्ट जो दिखाई पड़ रहा है इसी पे क्लिक कीजिए और ये जो बॉक्स है इस पे पहला वाला फॉर्म कंट्रोल इसी पे क्लिक कर दीजिए और यहां से ड्रैग करवा दीजिए इसको इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आ रहा है। अब हमें कौन सा वाला लेना है, हमने से हेलो पर जाकर के, मतलब से नेम नाम से बनाया ना, तो से नेम पर जाकर के और ओके प्रेस करना है आपको। अब जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो यहां बटन क्रिएट हो जाएगा, बड़ा सा बटन आ गया है आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर जाकर के और फिर इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं और जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, वेलकम दिखा रहा है ना। तो इस तरीके से ये बटन काम करेगा। देखिए इस पे जो कोडिंग हमने की है इसमें हमने लिखा ही वेलकम है। ठीक है, इस वजह से यहां पर क्लिक करने पे यहां पे वेलकम आ रहा है। अगर मैं इसमें कुछ और लिख देता हूं इसके विजुअल बेसिक कोड में, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे वेलकम लिखा हमने, तो यहां पे इस तरह से लिखता हूं वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट, ये लिख दिया हमने। अब देखते हैं अब ये चलता है कि नहीं। ठीक है, तो यहां से एक्सेल पे आ जाते हैं, एक्सेल की विंडो आ गई। अब यहां पे क्लिक किया तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट। ठीक है, देख रहे हैं, तो ये एक बटन आपने बना लिया। अब तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि विजुअल बेसिक में बटन कैसे बनाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।